ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हो पाएगा, बाकी आपके अंडों से बच्चे निकल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें गाजीपुर जिले के भूअरपुर से आया है और बिना वक्त गवाए हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। और यहां पर मुर्गी के दरबे के अंदर कोई सांप घुसा हुआ, उसने कई सारे मुर्गियों को मार दिया। कितने मुर्गियों को मारा भैया? 5-6-7 को मुर्गी मर गए, अंडा घोट गए कई थे। और ये डरी हुई है ना, उसी को कहा मारा है? कितने मुर्गियों को मारा दिखाई दिया? तो एक तरफ से एक है अंदर में कुल मरल देखा है एक है। अरे बाप रे, सबको कई को बाइट के लिए ऐसे बाइट करने से मरे ना? बाइट किया क्या किया वो अंदर भी देखिए ना, सब डरी हुई सामने में बेचारी। अंदर बहुत लोग को मार दिया है। अरे बहुत सारे मुर्गियां मर गई हैं हमारे। दो देखिए, ये बाहर ईंट के पास 3-4 अंदर चार तो यहीं पे देखा वही में है। 1-2-3-4 अंदर है, बहुत सारे अंदर। ऊपर का खोलो, खोल दीजिए, ऊपर खोलना ही रहेगा। खोल ना ऊपर, ये डरी हुई बेचारी। इतना मुर्गी मर गई है। चुप रे, चला का करू? चली जाने दी मत, मुर्गियां फिर से हो जाएंगी, जान बचा रहेगा बहुत कुछ होगा। एक एक तो फड़ा रहा है बेचारा, एक संघर्ष कर रहा है मरने के लिए, हिल रहा है अंदर, एक एक अंदर हिल रहा है। अरे छोटे छोटे सब मार दिए बच्चे। अच्छा अंडा बैठी थी सबने? सब दो बच्चे थे, इसका मुंडी खाया। हाँ, इसको घोटा था, घोट लिया था इसका, इसको पकड़ के बाहर लेके आ रहा था। तो वही हम लोग घबरा घबरा के फोन कर रहे थे। अरे हम लोग भी वहाँ पत रहे थे। अपना बना लीजिएगा। महाराज के निकाल रहा है, जान लगा नहीं नहीं उठा के रख लीजिए, टायर जला उसको उठा के नीचे रख दीजिए। आराम से, डरिए नहीं, दोनों हाथों से आराम से ढक लगे, नहीं टूट जाएगा आपका करकट। चलिए, ओहो भागने की ट्राई कर रहा है। आराम से आराम से, बहुत बड़ा हट जाए तो थोड़ा। बहुत फुर्ती से भागने का ट्राई करके, भाई इतने सारे मुर्गियों को मार के तो बहुत भारी भी है। सिर्फ दो मुर्गियां की बची हैं। अरे फिर से हो जाएंगी मुर्गियां, जान बचाए तो सब कुछ है। ये जिंदा थी, अभी मर रही थी तड़प तड़प के, जान बची तो रखो पाए। 2-2-4-2-6 उसको देख के डर रहा है। एक मुर्गी को बस मार के जस्ट खा लिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन इतने सारे मार दिए इनका फाइनेंशियल लॉस भी इनका हुआ। सब डर के मारे इस तरह से बोल रहे हैं। अंडा निकला नहीं है, चलिए सबको रख दीजिए। अभी इतना भाग नहीं पा रहा है, भाग रहा नहीं, नहीं, नहीं कुछ खाया हुआ नहीं है, खाली एकदम फ्री है, बहुत तेज भागेगा। अभी कुछ भी नहीं खा पाया है। हम लोग साहब वहाँ बैठे थे, जब मुर्गी बोलने लगी देखे तो आधा अंदर मुर्गी कटाने लगे, तो इसको डंडा से हम झटकाने के निकल जाए, वो साला फूकने लगा, बस घुस गया अंदर, हाली हाली ईटा हटाए, बस अंदर घुस के बस मुर्गी वही में एक दूठे तुरंत मर गई, बाहर निकल के। मतलब आपके देखते देखते आपके नजरों के सामने सारी मुर्गियों को मार दिया है। कितने टाइम पहले की बात है ये? अभी आधा घंटा पौना, मतलब रजिंदर बताइए उसके बाद फोन पर। मतलब हम लोग को पहुँचते पहुँचते यहाँ तक सबको मार दिया है। अच्छा आप लोग खोले तो दो सुरक्षित रूप से बच के बाहर आ गए हैं।
उस टाइम पे आपको क्या करना था कि ऊपर का तुरंत खोल देना चाहिए था, सारी मुर्गियां उड़ के निकल गई थी। ना निकल नहीं रहे थे ना, वो रात के समय है। ये भी है, पैक करते हैं। ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हो पाएगा, बाकी आपके अंडों से मुर्गी बच्चे निकल जाएंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं चाहता लेकिन हाँ थोड़ा है, इससे क्या होगा कि कम से कम आप कुछ कर लेंगे, बाकी जो अंडे बचे उस पर अगर मुर्गी बची तो उसको बैठाइएगा, बच्चे निकल जाएंगे आपके पास, फिर से मुर्गियां हो जाएंगी। और थोड़ा सुरक्षा का ध्यान रखिए विशेष, मतलब इस बार अगर दरबा बना भी रहे हैं तो उसको लोहे की जाली वगैरह से बढ़िया से पैक करिए, मतलब उसका दरवाजा वगैरह सब कुछ सही बनाइए ताकि सांप वहाँ पे कैसे भी घुस ना पाए अगर आप बंद कर दे तो। थोड़ा देर जब उसे बाजा ला लिया उधर, आप लोग जब यहाँ तक ले आला ला ना, बुझा हुआ था तब तक कुछ सही रह लिया, लेकिन बाजा तरह लिया, वो फोन मारा था। अच्छा, उलट रहा था। जर्की से वो अंडा बैठा ला लिया, जर्की से थोड़ी बार था लेना, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, छूने कोई मसला नहीं, उन सबको दफनवा दीजिए। हाँ, मट्टी खोद के दफना दीजिएगा क्योंकि जिसको जिसको काटा उनकी बॉडी में वेनम जहर हो गया होगा। अपन हाथ धो लो, दस्तों में डाल देने का, इनारे में नहीं डालिए, थोड़ा गहरा खन दे। अरे ना इतना खन की गाड़ी ने दिलपो कुएं सड़ेगा, स्मेल करेगा, बीमारी फैलेगा। मट्टी खोद के, अरे कम से कम एक दो फीट गहरा मट्टी खोद दीजिएगा और दफना दीजिए। ठीक है, ठीक है। अरे निकल गए हमन के चलो, 8 बज गए ना, हमन खाना पीना भले ना खाई ले जा, हम आए के तब तो के फोन गलत ही नंबर पर दी तो ना लगा ला। हमारा रास्ता बहुत बड़े जंगल से होके जाता है, इसलिए हम लोग रात के वक्त ही सांप को यहाँ पर रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है और हम लोगों ने यहाँ पर सांप को रिलीज कर दिया है। अभी ये नए जगह को एनालिसिस कर रहा है, मतलब इस जगह को समझने की ट्राई कर। आप लोग देख सकते जो सांप है काफ़ी तेजी से इस पेड़ों की जड़ों से होते हुए जंगल में अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये अच्छे ढंग से रह लेगा और अपना बाकी का जिंदगी अच्छे ढंग से जी पाएगा। आप लोग देख सकते जो सांप है यहाँ पर चला गया है, फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, ये अपने अनुकूलित स्थान में अच्छे ढंग से सर्वाइव कर लेगा। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।